ये क्या है? ये है पहाड़ी टिक्का बोलते हैं। अच्छा ये पहाड़ी टिक्का है। हाँ। अच्छा ये कितने रुपए में बेचते हैं आप? ये 40 रुपीज़ का वन सीज़। तो इसमें भी चिकन ही रहता है ना? हाँ। पहाड़ी टिक्का में तो ये चटनी क्या क्या डालते हैं ग्रीन में? इसमें पालक रहता है। अच्छा। और धनिया रहता है। अच्छा। और फिर मसाला रहता है। अच्छा सब मतलब हरा मसाला का रहता है। तो घर पे ही सारा मसाला कूटते हैं? अच्छा थोड़ा दही भी डालना पड़ता है। उसे पालक टिक्का बोलते हैं? हाँ, नहीं पहाड़ी टिक्का। पहाड़ी टिक्का तो ये जो दिख रहा है आपको ये पहाड़ी टिक्का है जो अब्दुल भाई के दुकान पर है और मिलेगा। ये इसे भूज रहे हैं और इसे फ्राई कर रहे हैं। तो ये ऐसी लॉलीपॉप ये बना बना कर हाफ फ्राई करके इसे रख देते हैं। जैसे कस्टमर आते हैं तो ये वापस ये इसे गर्म कर कर ये इसे देते हैं। तो मैं आपको दिखाऊँगा अब्दुल जी की दुकान पर। दोस्तों बहुत कम ही लोग होते हैं जो बड़े खुलकर बोलते हैं वीडियो में और बहुत ही खुलकर लोग अपनी दुकान की तारीफ़ करते हैं। और कुछ अच्छे लोग होते हैं जो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही अपना एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। तो देखिए ये पहाड़ी टिक्का ये बना रहे हैं। तो पहाड़ी टिक्का बहुत कम खाते हैं ना लोग? खाते हैं। अच्छा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रेड वाला ज़्यादा चलता है? रेड वाला ज़्यादा चलता है, पहाड़ी जाते हैं। अच्छा कम जाते हैं तो 4-5 किलो पहाड़ी जाता है। अच्छा 4-5 किलो पहाड़ी जाता है डेली का। अपना यहाँ पे भुजिंग ज़्यादा जाता है, सबसे ज़्यादा भुजिंग चलता है। अच्छा तो ये देखिए ये पहाड़ी टिक्का भी रेडी हो रहा है। और मैं आपको तो ये क्या लॉलीपॉप? नहीं ये भुजिंग है। अच्छा ये भुजिंग है। ये 20 रुपीज़ का बिकता है। अच्छा सबसे सस्ता बिकता है। क्या 20 रुपये रहेगा के? हाँ ये भुजिंग है पूरा पूरा 1 सीख 20 रुपये का। अच्छा एक सीख पूरा 20 रुपये में। लेकिन इसमें अपना वो रहेगा ना क्या बोलते हैं इसमें हड्डी है? हाँ हड्डी। और ये बोनलेस है 30 रुपीज़ का। ये कौन सा है? चिकन टिक्का बोनलेस। ये पूरा बोनलेस है जी। तो ये मेरे लिए बना रहे हैं ये वाला? ठीक है इसके बाद आपका पहाड़ी टिक्का भी टेस्ट करके देखेंगे। तो ये देखिए ये बना रहे हैं। तो ये पहाड़ी टिक्का है ये ऐसे ऐसे बनाते हैं। इसके अंदर पालक डालते हैं, इसके अंदर और भी धनिया डालते हैं और ये सारी चीज़ें। ये तो ये देखिए ये घर से चटनी वटनी सारा बना कर लेकर आते हैं ये पूरा। तो सुबह कितने बजे उठते हो अब्दुल जी? सुबह 8 बजे उठते हैं। सब माल तैयार करते हो? फिर माल मैनेज करके फ्रिज में रखना पड़ता है। अच्छा फ्रिज में रखना पड़ता है। तो दोस्तों ये तैयार हो गया हमारा पहाड़ी टिक्का। तो ये पहाड़ी टिक्का को भी भाई साहब निकालेंगे और ये इसे अब्दुल जी ने अपनी पहाड़ी टिक्का तैयार कर ली है और हम पहाड़ी टिक्का खाएंगे और उसको भी टेस्ट करके दिखाएंगे अब्दुल जी की पहाड़ी टिक्का कैसी है। तो ये देखिए इसके ऊपर ही फिर वही सेम मसाला और चटनी डालेंगे। और तो ये इसके ऊपर उन्होंने सलाद डाल दिया और इसके ऊपर ये नींबू डाल देंगे। और तो ये देखिए यार लगा दी थोड़ी सी चटनी। तो ये तैयार हो गया इनका पहाड़ी टिक्का। और ये देखिए ये पहाड़ी टिक्का जो आप दिख रहे हैं तो ये फ्राई करते हैं और ये भुजिंग सेंटर में ये भाई साहब भूजते हैं। तो यहाँ पे और भी आएंगे, नेक्स्ट टाइम हम आपको और शूट करके दिखाएंगे। तो ये कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।